शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी ने जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हैं, पूरी बात आपको तफसील से बताई। आदरणीय मित्रों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज हम दोनों केवल खट्टर साहब को एक नसीहत देने के लिए आए हैं। खट्टर साहब, ये समय वसूली और लूट का नहीं, ये समय हरियाणा की जनता को छूट का है, यानी छूट देने का है। कल रात के अंधेरे में खट्टर सरकार की कैबिनेट ने आनन फानन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुलाकर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जनता पर बोझ लाद दिया, बस के किराए का बोझ लाद दिया। और यही नहीं, जो फल और सब्जी, जो आम जरूरियात की वस्तु है, हमारे फल और सब्जी विक्रेताओं पर भी और पूरे हरियाणा के गरीब सामान्य वर्गों के उपभोक्ताओं पर भी उनकी कमर तोड़ 2% टैक्स लगा दिया। खट्टर साहब, पूरी दुनिया की सरकारें आज अपने लोगों की जेब में पैसा डाल रही हैं, राहत दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ आर्थिक संकट की मार। पर यह कैसी सरकार जो राहत देने की बजाय जल्ले पर नमक छिड़क रही है। और जो कुमारी शैलजा जी ने कहा, मैं उसके थोड़े से डिविजन्स आपको दूंगा। क्या हरियाणा की जनता और पत्रकार साथी जानते हैं कि खट्टर सरकार ने 6 वर्षों में हरियाणा की जनता से 42,000 करोड़ रुपया की टैक्स वसूली पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर की है? ढाई ढाई करोड़ हरियाणवियों की जेब से खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपया वसूला है। और ये प्रेस विज्ञप्ति जो शैलजा जी और मैं जारी कर रहे हैं, उसमें हमने ईयर वाइज डेटा और उसके साथ साथ इसका सबूत एक अनेक्षर के तौर पर लगाकर आपको भेज रहे हैं। और उससे ये साफ है कि किस प्रकार से साल दर साल वैट की ये वसूली की जा रही है। मैं आपके स्क्रीन पर भी ये दिखाना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। ये इस प्रकार से साल दर साल वसूली की जा रही है और इसके साक्ष्य और तथ्य हम आपको भेज रहे हैं। जैसा शैलजा जी ने कहा कि केवल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर वसूली नहीं, पानीपत रिफाइनरी से भी, क्योंकि पिछले 3 साल के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, आए साल लगभग 650 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से रिकवर किया जाता है। हम ये भारत सरकार का कागज आपको भेज रहे हैं। और पिछले 3 सालों में 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 1,668 करोड़ रुपया रिफाइनरी के जीएसटी से, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए की राशि अकेले पेट्रोल डीजल से ये सरकार वसूल चुकी है। यहां ये भी याद दिलाना और रखना आवश्यक है कि जब 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी, हमने 10 साल में एक पैसा पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया। पेट्रोल पर टैक्स तब था 21% वैट जो है। आज हरियाणा में वैट पेट्रोल के ऊपर 26.25 या 26% है। ये 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर हरियाणा के गरीब किसान से, ट्रक, ऑटो रिक्शा और फोर व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति की जेब से और आम जनमानस की जरूरियात की वस्तुएं जो महंगी होती हैं उससे पैसा निकाला जा रहा है। और किसान के साथ तो और बढ़कर जाति की खट्टर साहब ने। जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो डीजल के ऊपर वैट था हरियाणा में 9.24%, और आज डीजल पर टैक्स वैट बढ़ाकर दुगना कर दिया है। अब ये हो गया है 17.22%। खट्टर साहब, क्या आप उस किसान की, गरीब मजदूर की, उस रविदास या वाल्मीकि की पीड़ा को समझते हैं जो पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करता है और फिर मंडी में धक्के खाता है, जैसा शैलजा जी ने कहा, और आप उसके डीजल पर भी टैक्स
9.24% से बढ़ाकर 17.22% कर रहे हैं। यह अपने आप में शर्मनाक है। जैसा कुमारी शैलजा जी ने कहा, 732 करोड़ सालाना वैट जो बढ़ाया है, 1 रुपया पेट्रोल और 1.10 रुपया डीजल पर, उससे अतिरिक्त रिकवरी होगी 650 करोड़ रुपया रिकवरी जीएसटी की रिफाइनरी के तेल से होगी। यानी ये सरकार लगभग 732 प्लस 650 करोड़ रुपया तो अभी कमाएगी। और सालाना रिकवरी अगर आप वैट की लगाएं पेट्रोल और डीजल की, जो आंकड़ा शैलजा जी ने दिया, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हरियाणा के लोग हर साल अब 9,255 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जेब में डालेंगे। खट्टर साहब, ये जजिया कर क्यों? और सबसे चौंकाने वाली बात ये देखिए, शैलजा जी ने वो आपको आंकड़ा दिया, पर मैं भारत सरकार का कागज आपको दे रहा हूं, मैं और वो मिलकर। ये भारत सरकार का 20 अप्रैल 2020 का कागज है। इसके मुताबिक 29 अप्रैल 2020 का कागज है, माफ कीजिए, 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार जो कच्चा तेल खरीद रही है, ये उनका कागज है। उसकी कीमत है अमेरिकी डॉलर 17.23, उन्होंने इसे रुपयों में भी कन्वर्ट किया है, 1304 रुपया 39 पैसा। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक बैरल में 59 लीटर होता है। अगर इस 1304 रुपया 39 पैसे को आप 159 लीटर से भाग दें, तो जैसा शैलजा जी ने कहा था, कीमत बनती है 8 रुपया 20 पैसे लीटर। 8 रुपया 20 पैसे लीटर का डीजल और पेट्रोल, खट्टर साहब, आप हरियाणा में पेट्रोल 70 रुपया 21 पैसे बेच रहे हैं, जिसकी लागत आपको 8 रुपया 20 पैसे पड़ रही है। जिस डीजल की लागत आपको 8 रुपया 20 पैसे पड़ रही है, आप उसको किसान को 62 रुपया 7 पैसे प्रति लीटर पर हरियाणा में बेच रहे हैं। इतनी ज्यादा जाती, इतनी ज्यादा निर्दयता, और उसके बाद फिर आप 1 रुपया और 1.10 रुपया लीटर बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, शैलजा जी ने जो 170 करोड़ बस भाड़े की रिकवरी की फिगर दी, वो हम कहां से लेकर आए? शैलजा जी और मैं, कल सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया कि हरियाणा में रोडवेज की बसें 10,38,000 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं। सरकार की यह बात सच मान लीजिए। अगर 30 सवारी भी सफर करें तो कुल पैसेंजर किलोमीटर प्रतिदिन बन गए 311,40,000 के करीब। इसे अगर आप पूरे साल यानी 365 दिन से जर्ब दे दें, गुणा करें, तो ये फिगर बन जाती है 113,661,000 पैसेंजर किलोमीटर। इस पर अगर आप 15 पैसे कैलकुलेट करें तो ये फिगर 170 करोड़ 49 लाख रुपया बनती है। दोस्तों, बस में सफर कौन करता है? खट्टर साहब तो हेलीकॉप्टर में चलते हैं और 50 करोड़ के जहाज में। उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो 20-20 गाड़ियों के लावा लश्कर में चलते, पर आम जनमानस समेत पत्रकार साथियों के, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता, वो बसों में चलती। आपने एक तरफ उन पर 1,382 करोड़ रुपए का बोझ पेट्रोल डीजल से लाद दिया सालाना, कुल रिकवरी 9,255 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से, दूसरी तरफ 171 करोड़ रुपया बस के भाड़े में बढ़ा दिया। और केवल एक ही चीज बची थी, कोई गरीब गृहिणी, हमारी बहनें, अपना परिवार का पेट पाल लेती थी फल और सब्जी से। खट्टर साहब, आप तो इतने निर्दयी निकले, इतने निरंकुश निकले, इतने अहंकारी निकले कि आपने तो वहां भी जजिया कर लगा दिया, 2% कर फल और सब्जी पर भी लगा दिया। हम ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी और मैं और कांग्रेस पार्टी के सब साथी, खट्टर साहब, ये वसूली और लूट का समय नहीं, हरियाणा की जनता को छूट देने का समय था।
पूरा हरियाणा कल मंत्रिमंडल की बैठक की और देख रहा था कि क्या राहत मिलेगी, ये क्या मालूम